हेलो फ्रेंड्स, ये नोवेल्टी एंटिक पीस की शॉप है। ये भावनगर में अलंक में शिप ब्रेकिंग यार्ड जहाँ पर है उसमें आई हुई है। और आप अगर ऐसी एंटिक चीज़ें खरीदना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एंटिक पीसें मिलेगी आपको वो पूरे वर्ल्ड की मिलेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंक में है, दूसरा चाइना में है, और अभी और दो जगहों पर भी नए खुले हैं जो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, रीज़न है, कभी बोल दूंगा। यानी इंडिया में जो अलंक में शिप ब्रेकिंग यार्ड है वहाँ पर पूरे वर्ल्ड की ये चीज़ें मिलती है, क्योंकि शिप में जो एंटिक पीसें रही होगी यही सारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यानी कि वर्ल्ड लेवल की आपको एंटिक चीज़ें यहीं पर ही मिलेगी, और ये नॉवेल्टी एंटिक पीस की ही शॉप है मनहर भाई की, और मैं इसका ही वीडियो आज बनाने वाला हूँ, आपको इनका नंबर भी मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नॉवेल्टी आइटम यानी कि एंटिक पीस, बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें जो हमें मिलना नामुमकिन है। अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हो और देखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखें। आप देख सकते हो मैंने एक फिलिप्स कंपनी का ये बहुत पुराना रेडियो दिखाया है। ये रेडियो की इतनी डिमांड है दोस्तों, मेरे अगले वीडियो में इतनी कमेंट आ चुकी है कि आपके पास रेडियो है, रेडियो है, रेडियो है। तो दोस्तों ये रहा, मेरे पास रेडियो है आज। अगर खरीदना चाहते हो तो वीडियो में जो नंबर है उस पर कॉल करो। और ऐसी बहुत सारी एंटिक चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में, तो लेट्स डू प्रैक्टिकल, मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से नहीं मिलती है, ऐसी एंटीक चीज़ें ही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ नॉवेल्टी शॉप पे। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। ये नॉवेल्टी फर्नीचर की शॉप है। ये मनहर भाई है, ये जो शॉप है ये इनकी है, ये हमारी हेल्प करने वाले हैं विद प्राइस, और ये इनका विजिटिंग कार्ड और इनका मोबाइल नंबर के साथ है। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो इनसे कॉल कर सकते हो। इनके जैसी एंटिक चीज, एंटिक पीस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड लेवल का एंटिक पीस का कलेक्शन है इनका। तो प्लीज़ इनका नंबर अच्छे से लिख लें, 9 बजे से लेके रात के 7 बजे तक ही कॉल करना है, उसके बाद में नहीं करना है प्लीज़। ये सारे जो आप देख रहे हो ये एंटिक पीस है। प्राइस, इसकी प्राइस क्या है? ये पूरा मेटल का है, ये बहुत ओल्ड है और इसका प्राइस है 25,000। 25,000 उसका वेट है, पूरा ब्रास का है, उसका वेट है 35 kg। 35 kg ब्रास का है? यस यस। ओके, और बहुत पुराना है, तकरीबन कितना पुराना होगा? इसको इसको डॉल्फिन ट्विन बोलते हैं, ये पैसेंजर वेसल का होगा, यानी कि मेरे हिसाब से ये 80-90 साल पुराना होगा। 80-90 साल पुराना है। या। ये जो बुद्धा देख रहे हैं वो, ये बुद्धा है। हाँ, इसका 5,500। 5,500 यस। तीन हजार दो सौ 3,200। ये जो लायन है, ये लायन है, ओल्ड एंड एंटीक है, ये पुराना है, इसका 25,000 है, इसका 20,000 है। और ये एलिफेंट है, इसका ये एलिफेंट है, ये एलिफेंट पैर का रेट है 14,000 दोनों का। दोनों का, दोनों का। और ये किससे बने हुए हैं? ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है। किससे बने हुए हैं? ये पूरा ब्रास का है, पूरा ब्रास, ब्रास का है। ब्रास बोले तो यानी कि पित्तल, पित्तल का है। पित्तल का है। ओके, ये बड़ा लाइनर है, लायन है। इसका वेट है 30 kg। ये ओल्ड एंड ओल्ड है, यानी कि 70-80 साल है। 35,000। 35,000। और ये कितना पुराना है? ये 80 से 90 साल पुराना। 80 से 90 साल और ब्रास का है ये भी, पूरा ब्रास का है। ओके, 2 kg। इसका वेट है 32 kg। तो ये यहाँ के हैप्पी कस्टमर है। आप कहाँ से हो? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से हो? औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
आपको ये पता कैसे चला कि यहाँ पे एंटिक चीज़ें मिलती है? हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमको सजेस्ट किया था इधर जाओ देखने के लिए आलम। ओके, आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ की चीज़ें बढ़िया मिलती है और प्राइस भी बहुत ही चीप रेट है। कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया भी देखने को मिला। और आपने यहाँ से क्या खरीदा? इसमें पांच। आपने ये शॉपिंग भी की है यहाँ से? एक वॉल वॉच, एक आपने एंटिक वॉच लिया है वॉल का। ओके, और दो पोर्ट खरीदे है, पावर प्लॉट खरीदे है। तो आपको अच्छा लगा ना यहाँ आके? तो आप दूसरे व्यूअर को क्या कहना चाहोगे? कुछ आप खुद भी आओ यहाँ पे देख लो, और कुछ एंटिक पीस पसंद आते तो परचेस करो। ओके 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 ओके, थैंक यू। अगर आप भी ऐसे कोई एंटिक पीस परचेस करना चाहते हो तो एक बार अलंग जरूर घूमने जाओ। अलंग एक अच्छी घूमने लायक जगह है। यहाँ पर रहने का भी इंतज़ाम है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है, और यहाँ पर आपको 2-3 दिन का टाइम लेके जाना है दोस्तों। यहाँ इतनी सारी चीज़ें मिलती है कि आपके 2-3 दिन तो यूं चले जाएंगे। तो थोड़ा टाइम लेके जाना, अलंग घूमने में मज़ा आएगा। अलंग एक घूमने लायक प्लेस है, आपको यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ इतनी सारी शॉप है अलग अलग, इतनी सारी क्योंकि क्रूज़ में से इतना सामान निकलता है। आपको एक बार प्रैक्टिकल यहाँ पे जाके घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आप खुद अपनी आँखों से देखोगे और महसूस करेगो उसकी बात ही कुछ अलग होती है दोस्तों। तो एक बार अगर आपके पास 2-3 दिन का टाइम है तो जरूर जाओ।